ओके जी, अब जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ। महा भी सोई हुई थी, वो उठ के जा चुकी हैं, अब उनको रेडी करवाना है। मैं आपके साथ क्लिप नहीं शेयर कर पाई थी कि एक मिनट पहले लाइट ऑन करूँ। लाइट लाइट लाइट। अच्छा जी, ये देखें आप मुझे, ठीक है। ये जो है मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है और इसके साथ साथ ये वाले इयर रिंग्स वेयर करे हैं और मेरी आँख की बुरी हालत है। और अच्छा जी, एक ही बुक्का हुआ है, ठीक है, घर में। तो पहले जो है मैंने वाइट ड्रेस वेयर करना था, ये वाला, ठीक है। ये है वाइट ड्रेस। क्या, क्यों भाग रही है? ये वाला ड्रेस मैंने वेयर करना था, पर अब जो है मैंने चेंज कर लिया, मैंने वाइट नहीं पहना। ये वाइट की जो है फुल पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगी कि ये कैसा दिखता है। मुझे बहुत पसंद था पर हस्बैंड को नहीं पसंद आया, तो फिर इस वजह से नहीं पहना। वैसे मैं इसकी पिक्चर जो है, यस हाँ जी, एक मिनट, चावलों में क्या नहीं नहीं साथ साथ में हमारे किचन का काम भी हो रहा है। मैंने कोई चीज़ भी बाहर से ऑर्डर नहीं की, मैंने सब घर में बनाया है। और आप लोग देखिए क्या क्या बनाया, अभी तक हमारे गेस्ट नहीं आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो टावल वहाँ हैंग हुआ है, इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि आज बहुत हबड़ा दबड़ी में बहुत काम हो रहे हैं। और इधर मोहतरमा बैठी हुई हैं, इनको अब रेडी करवाना है। बहुत स्पीड से हो गया, बिरयानी बन रही है, तेल लग रही है इसको, बिरयानी का मसाला। ये क्या बन रहा है जी? बिरयानी का मसाला। हाथ हटाइए ज़रा आप अपना। ये क्या बन रहा है जी? कोफ्ते बन रहे हैं। बाकी किचन के हालात आपने देख लिए? पूरी देखिए के अंदर है इस टाइम। और बर्थडे कल वो नीचे नंगा बैठा हुआ है, वो चावल खा रहा है कि वो उसको पूरी रात सेलिब्रेट करनी है। अब नान हो वो नहा के फर्क हो चुका है, सो भी लिया ना हमने, सो के भी उठ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, ये चावलों में पानी डाल के नज़र नहीं आ रही यार। अच्छा जी, अब जो है मैं रेडी बहुत जल्दी हो गई थी तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। खैर, यहाँ पर बिरयानी का दम लग चुका है, उसी के साथ साथ रायते के लिए जो है वो ब्राउन करना है, क्या कहते हैं, ज़ीरा ब्राउन करना है, वो डलेगा। यहाँ पर ये जो है कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, टिंटॉन, मेरी रिंग भी यहाँ पर पड़ी हुई है। और साथ ही साथ में रायते के लिए रायता तकरीबन तैयार है, इसको सर्विंग बाउल में निकालूंगी। और साथ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रेडी कर रही हूँ। ये क्या थीम थी भाई? क्या थीम थी? थीम क्या थी? ये हम लोगों ने वो
क्या कहते हैं उसका कुछ पूरा उसका जिस्म था मुझे भूल ही गया। किटी, हेलो किटी। चलो इस तरह बैठो यार, तो स्माइल दे बढ़ावा था तू कर दे सारे। हां के कभी ऐसे चाहिए ना भाई का बनाई है भाई मेरे मुंह का कहते हैं तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है। स्माइल सबको ऐसे हाफ करके खाने के बाद दे देना मीठा। हां वो खाने के बाद वो होगा। अभी इसको उठा के फ्रिज में रख दे दोबारा। कमल जी पहले मैं परी का नाम तोड़ चुकी हूं लिहाजा अभी ओके जी सेलिब्रेशन हो गई हमारी। आप लोगों ने देखी छोटी सी वीडियो बनाई इसलिए कि आप लोगों को दिखा सकें, आप लोगों को अपनी खुशी में शेयर कर सकें और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पर केक भी आप देख लें, केक के ऊपर जो मैंने टॉपर लगाया था ख़ुद बना के, ठीक है हर चीज़ आपके सामने बनाई थी और उसको किस तरीके से मैंने मैनेज करा था वो भी देख लें। ये देखिए हैप्पी बर्थ ऊपर है और डे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है बहुत प्यारा लग रहा था पूरा केक, बहुत हसीन बनाया था। तहजीब बेकर्स जिंदाबाद। इसके साथ साथ अब जो है थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हो रहा है, फ़ोटोशूट के माहा जो है जनाब बिल्कुल भी पिक्चर नहीं बनवाने दे रही थी लेकिन मुश्किल कर कर करा के तो हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स बना ली। मेरे साथ तो वहाँ की एक दो पिक्चर्स हैं पर इनके बाबा के साथ कोई पिक्चर भी नहीं है, कोई पिक्चर भी नहीं है। तो अब हम एक डे डिसाइड करेंगे जिस डे में इसको यही वाला ड्रेस वेयर करवा के और दोबारा से फ़ोटोशूट कहीं आउट साइड पे कहीं जाकर करवाएंगे। तो खाने की बात की जाए, खाना बहुत मज़ेदार बना था माशाल्लाह 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 से। मैं अपनी तारीफ़ खुद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी, इवन कि हमारी सिर्फ 2 फैमिलीज आनी थी बट उसके लिए भी मुझे बहुत टेंशन थी कि यार पता नहीं कैसा बनेगा, सबको पसंद आएगा या नहीं आएगा। बट माइंड ब्लोइंग जो गोला कबाब था वो बहुत टेस्टी थे, बिरयानी से भी ज़्यादा टेस्टी थे। बिरयानी तो ऐसी चीज़ है ना जो बंदा मतलब ट्राई करता ही रहता है बट गोला कबाब थोड़ा सा चेंज था मेरे लिए। मैंने 2 से 3 मरतबा इससे पहले गोला कबाब बनाया बट लिटरली बहुत टेस्टी बना था और खाना जो है बहुत एक्स्ट्रा बन गया था, बहुत ज़्यादा बन गया था। इवन कि हम 2 दिन तक जो है यही खाना खा रहे थे, इतना ज़्यादा बन गया था। तो क्योंकि हमारी 2 फैमिलीज थी इस वजह से। अच्छा जी, इसके बाद गिफ्ट्स की बारी आती है। तो गिफ्ट्स में सब ने मुझे बिठा दिया कि तुम गिफ्ट ओपन करो क्योंकि माहा तो ओपन कर नहीं सकती, माहा देख सकती थी पर ओपन नहीं कर पा रही थी। तो सब ने मुझे बिठा दिया और बहुत मतलब कि ना मुझे अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए गिफ्ट्स आए हैं और बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। तो यहाँ पर जो है गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। ये जो है गिफ्ट है इनकी सबसे बड़ी ताई अम्मी का गिफ्ट है। महा लो डॉल 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 तुम्हें डॉल डॉल का नाम लिया कैसे पहुंची वेट 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 यार।
अच्छा पाँव नीचे यहाँ पर जो है इन मोहतरमा की एक्साइटमेंट चेक करें, जो ताई अम्मी का गिफ्ट था, बड़ी ताई अम्मी का, उनका गिफ्ट देख कर ये इतनी खुश थी कि इनको इधर उधर हो का होश ही नहीं था। बहुत ज़्यादा डॉल इनको पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, उसमें लाइट्स थी और वो गाना भी गा रही थी तो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी बच्ची। और उन्होंने भी काफ़ी सोच के गिफ्ट दिया कि यार वाकई में इससे बच्ची खुश हो सकती है, और वाकई मैं महा बहुत खुश हो गई थी। और मुझे पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आई थी, इतनी मुझे पसंद आई कि मत पूछें आप। जिस टाइम मैंने ओपन किया आपने रिस्पांस देखा ही होगा मेरा रिएक्शन जो था। तो इसके बाद बारी आती है जी मेरे चेयर टेबल की। चेयर जो है मैंने पहले ही उसको दे दी थी, ठीक है, और टेबल जो है मैंने छुपा दिया था। बाद में जो है टेबल ओपन हो रहा है तो इसने इस टेबल की, इसने कहा भाई खोलती रहो टेबल मुझे। खैर इन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। नेक्स्ट फिर इनका एक गिफ्ट होता है जी, वो है ये साइकिल। यस, ये ताई अम्मी ने इन्हें दी थी, इनकी दूसरी ताई अम्मी ने, ठीक है। ये भी इनको इतनी पसंद आई कि बस मत पूछें। आई होप आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।